दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले मनोज दे और सौरभ जोशी के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद मनोज दे ने इस पर थोड़ा बहुत बातचीत भी की थी। अब हाल ही में उन्होंने रियलिटी नाम के एक यूट्यूब चैनल के एक पॉडकास्ट में अपने और सौरभ जोशी के बीच की कंट्रोवर्सी पर खुलकर बातचीत की। उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये बोला, तो एक बार क्या हुआ कि मेरे दिल्ली आने का था, रिसेंट में मैं लक्ष्य के वहाँ रुका हुआ था, तो दिल्ली आ रहा था तो वो भी दिल्ली आ रहे थे, उनका कुछ काम था, चलो फिर दिल्ली में ही मिल लेते हैं दो मिनट के लिए। तो उठ करके गया तो उस टाइम पीयूष आया था सो करके, थोड़ा नींद में ही था, आके वो बैठा तो पीयूष क्या होता कि जिसको वो पहले से जानता उससे वो खुल के बात करता, बाकी ऐसे नॉर्मली थोड़ा शांत स्वभाव का ही है, चुपचाप बैठे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे एक मैंने ब्लॉग बनाकर डाला था, तो ब्लॉग में क्या हो ना कि बहुत सारा कमेंट आने लगा कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था, आपको वो रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया, ठीक है, अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा इतना बैड कमेंट, वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर है, बैड कमेंट से भरा हुआ, आप देख लेना 90% वैसा कमेंट। तो मैंने एक प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डाला 10 मिनट का, लेकिन यूट्यूब पे होता है क्लिकबेट, तो मैंने सोचा थोड़ा थंबनेल ऐसा लगा देते जैसा ज़्यादा व्यूज़ आ जाए। भाई यूट्यूब पे सब व्यूज़ के लिए ही काम करते हैं, कोई तो सर्वर भरने के लिए काम नहीं करता है, सब अपने मकसद। तो मैंने भी थंबनेल में लिख दिया कि घमंडी पीयूष ? ताकि लोग ऐसा कमेंट आ रहा था घमंडी पीयूष, तो मैंने सोचा यही थंबनेल में, टाइटल में नहीं था, थंबनेल में था, वहीं थंबनेल देकर के सौरभ जोशी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बताइए वीडियो डालने में एक घंटा भी नहीं हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिला है। ध्रुव राठी ने पैकेज्ड जूस के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में रियल फ्रूट जूस को भी दिखाया गया था। इसके खिलाफ रियल जूस बनाने वाली कंपनी डाबर कोर्ट पहुँच गयी। कंपनी ने आरोप लगाया कि वीडियो में उसके प्रोडक्ट को बदनाम किया गया है। डाबर की याचिका पर हाई कोर्ट ने 15 मार्च को ध्रुव राठी से कहा था कि वीडियो से आपत्तिजनक हिस्से को हटा लें। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में पैकेज्ड जूस की तुलना कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से की थी, जैसे पेप्सी कोका कोला के सॉफ्ट ड्रिंक्स। राठी ने अपने व्यूवर्स को सलाह दी थी कि वह पैकेज्ड जूस का इस्तेमाल ना करें, इससे टाइप 2 डायबिटीज और बाल झड़ने जैसी समस्या होती है। ध्रुव राठी ने वीडियो में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पैकेज्ड जूस की तस्वीर को दिखाया था। राठी ने वीडियो में रियल जूस के डब्बे पर दिख रहे डाबर के लोगों को ब्लर कर दिया था। दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।